हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आइए आज मैं आप लोग को एक हेयर रेमेडी बताती हूँ। जैसे कि आप लोग देख चुके हो थंबनेल में ही, तांबे का पानी तो आप लोग बहुत ही पी चुके हो ना। चलिए आज हम लोग लगाते हैं तांबे का पानी को अपने बालों में, क्या शाइनिंग आती है और क्या स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं आपके बाल। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक मैंने लीठा लिया है और मैंने 3 से 4 शिकाकाई लिए हैं, 5 मैंने सिर्फ आंवला लिया है, सिर्फ इतना ही लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं ली हूँ क्योंकि इसमें हम मेहंदी भी ऐड करेंगे। अगर आप लोग सिर्फ आंवला लगा रहे हो तो थोड़ा सा आंवले की मात्रा बढ़ा लीजिएगा। और ये देखिए हमारा मैजिकल बॉटल आ चुका है, जिसको मैंने ओवरनाइट के लिए, मतलब ओवरनाइट क्या कह सकते हो आप, मैंने 24 घंटे के लिए इसमें पानी भर के रख दिया था कि ये बहुत से तरीके से इसका अर्क जो है तांबे का पानी में आ जाए। तो इसको मैंने 24 घंटे के लिए कम से कम पानी बोतल में भर करके उसको साइड में रख दिया कि जिससे कोई इसका पानी पी भी ना सके। और इसी पानी से हम लोग अपने आंवले को डीप करेंगे। और जैसे कि 1 लीटर का ये बॉटल है तो 1 लीटर पानी पूरा मैं इसमें डाल दूंगी, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग डाल देंगे। और जैसे कि ये जो पानी है ना, इसी पानी से हम लोग इस आंवले को और मेहंदी को घोलेंगे भी। ये मैंने पूरा पानी 1 लीटर डाल दिया है और इसको हम लोग ओवर नाइट के लिए सोख करके रख देंगे। तो ओवर नाइट सोख करके हम लोग किसी लोहे की कढ़ाई, आप लोग जैसे आप लोग देख सकते हो हमने लोहे की कढ़ाई ली है, तो लोहे की कढ़ाई लोगे ना तो ज़्यादा सही रहता है, थोड़ा सा आप लोग के बालों के लिए भी सही रहता है। तो ये अगर आप लोग चाहो तो इसकी यार मात्रा बढ़ा सकते हो लीठा सिकाकाई की, बट मैं इतना ही रखूँगी। तो हम लोग इसको नेक्स्ट डे में आप लोग को मिलती हूँ, तो ये नेक्स्ट डे में आप लोग को दिखाती हूँ। ये देख सकते हो हमारा पानी जो है वो काला हो चुका है, आंवले मतलब जो हमारी लोही कढ़ाई थी उसको उसने अपना रंग दिखा दिया है। और जो हमारे अभी हमने जो तांबे के बोतल का भी यूज़ किया है ना, उसका भी फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा होता है। तो आप ये जो आप ये जो इसमें जो बीजे हैं, इसको बीज को मैं निकाल देंगे, क्योंकि बीज को निकालोगे तभी सही रहेगा, नहीं तो आपकी मिक्सी टूट सकती है। तो आप लोग सारे सिकाकाई आंवला रीठा सबके हम लोग बीज निकाल देंगे। सिकाकाई जैसे कि हमारा बड़ा था तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है जिससे किसी तरीके से पीस जाए। तो हम लोग उसको तरीके से निकाल लेंगे, जैसे कि देख सकते हो हर चीज़ में हर में बिया होते हैं, तो ये तरीके से मैंने निकाल लिया है। हम इसको पानी डाल करके, जिस पानी से हमने डिप किया था उसी पानी से हम लोग डाल करके उसको मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सी में पीसने के बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देख सकते हो मैंने इसको एकदम महीन पीसा हुआ है, पानी की मात्रा की जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा पानी आप लोग डाल के पीस लीजिएगा। छोटोली जार में मैंने पीसा, छोटोली जार में पीसने से ना अच्छे तरीके से पीस जाता है। और उसको हम कढ़ाई में पूरी निकाल लेते हैं। कढ़ाई में निकालने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि उसी मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी डाल करके मैं निकाल लूँगी, जिससे कि थोड़ा अच्छे तरीके से निकल जाए, क्योंकि मिक्सी के जार में भी थोड़ा बहुत बचा रहता है। तो पानी डाल के हम पूरी अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। तो मैं आप लोगों को निकालने के बाद मिलती हूँ। देख सकते हो मैंने अच्छे तरीके से निकाल लिया है। अब मैं इसमें यूज़ करने जा रही हूँ झोले वाली मेहंदी, क्योंकि झोले वाली मेहंदी मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। मेरे आप हर वीडियो में देखते होगे, मुझे झोले वाली मेहंदी बहुत पसंद है। और मैं आप लोग को यही सजेस्ट करती हूँ, झोले वाली मेहंदी प्लीज़ लगाइए, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के बालों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा शाइनिंग लाता है। ये थोड़ा सा नेचुरल भी है, जैसे कि कहते हैं ना कि और जैसे नूपुर वगैरह सब जो होते हैं थोड़ा सा नेचुरल कम होता है, बट झोले वाली मेहंदी जो है ना, ये राजस्थानी झोले वाली मेहंदी है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप लोग परचेज करना। मैंने अमेजोन से लिया था तो मुझे बहुत सही लगा। तो ये देख सकते हो, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग को बता रही हूँ, मैं किसी चीज़ का ऐड नहीं कर रही, ना ही मुझे कोई इसके लिए स्पॉन्सर कोई किया जाता है, बट मुझे अच्छा लगता है इसे मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ये मैं अच्छे तरीके से मिलाऊंगी, इसको ऐसे मिलाओगे ना जैसे नीचे से ऊपर को, तो अच्छे तरीके से घुल जाता है। और थोड़ा सा हम लोग इसको थिक ही घोरेंगे, क्योंकि थिक घोरेंगे तो नेक्स्ट डे ये थोड़ा सा पानी छोड़ेगा ही, तो इसको मैं थोड़ा सा थिक घोरेंगे। और फिर नेक्स्ट डे अगर आप लोग जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी मिला लीजिएगा, बट अभी हम लोग इसी से घोरेंगे। और जो मैंने पानी दिखाया था ना आप लोग को 1 लीटर पानी, वो मैं उसको मैं 1 गिलास में निकाल ली थी, और उसी पानी से मैंने आंवले रीठा सिकाकाई को पीसा भी है, और उसी पानी से मैं मेहंदी को अपने घोर भी रही हूँ। तो ये देख सकते हो इस तरीके से घुल चुका है, और थोड़ा सा मुझे और थिक लग रहा था तो मैं पूरा पानी डाल दी, ठीक कह लो या फिर ये भी कह सकते हो आप लोग कि जो पानी बचा था मैंने पूरा मतलब यूज़ कर लिया है, इसलिए मैं उसको पूरा पूरा डाल दी। और इसको हम लोग क्या करेंगे कि ओवरनाइट के लिए इसको हम लोग ढक करके रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे तरीके से और हो जाए। तो जैसे आंवला रीठा सिकाकाई जैसे मैंने आज रात को भिगोया था, तो मैंने कल रात को इसको पीसा है और फिर इस कढ़ाई में मतलब कढ़ाई में इसको मैंने छोड़ दिया है रात के लिए। तो रात भर के लिए मैं उसको तरीके से छोड़ देंगे और हम लोग नेक्स्ट डे इसको लगाएंगे। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट डे। तो ये नेक्स्ट डे में आप लोग देख सकते हो ये अच्छे तरीके से अपना रंग दिखा चुका है, मतलब कि ये काला हो चुका है, अपनी कढ़ाई अपनी पूरी तरीके से छोड़ दिया है। और उसको हम लोग अच्छे तरीके से मिला लेंगे अच्छे तरीके से, जिससे कि ऊपर से मिलाने के बाद इस तरीके से हम उसको बालों में लगाएंगे। तो ये देख सकते हो ये पहले तो थिक थी, बट इस टाइम स्मूथ भी हो चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद हम लोग उसको बालों में लगाएंगे। बालों में लगाने से पहले आप लोग अच्छे तरीके से कॉम कर लीजिएगा बालों को, क्योंकि बालों को कॉम करोगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो इससे क्या होता है ना कि आपके बाल टूटेंगे नहीं जब बाल धुलने पे। तो ये थोड़ा सा गीला हो चुका था, मतलब मैंने पानी ज़्यादा यूज़ कर लिया था, बट अगर आप लोग थोड़ा सा पानी कम ही यूज़ कीजिएगा, लेकिन मैंने पानी ज़्यादा भिगो दिया था इससे मैंने पानी ज़्यादा यूज़ कर लिया।
तो ये देख सकते हो छितके से हो चुका है। अब हम लोग इसको लगाने के प्रोसेस में चलेंगे। तो ये देख सकते हो लगाने के पहले मैंने अच्छे तरीके से कॉम कर लिया अपने बालों को। तो मैं आप लोग को भी यही कहूँगी कि अपने बालों को अच्छे तरीके से कॉम कर लीजिएगा। और एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा कि कपड़े आप लोग वही यूज़ किया कीजिए, मतलब एक दो टी शर्ट निकाल लीजिए कि जो आप लोग हर मतलब हेयर पैक लगाने के टाइम उसको पहन सको, जिससे कि आपके कपड़े गंदे ना हो। तो ये देख सकते हो मैं इसको जूड़े की तरह से लगाऊंगी, जैसे कि मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि मैं हमेशा जूड़े की तरह ही लगाती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि आपका जो जड़ से लेकर के टिप्स तक आपके मेहंदी या आंवला जो भी आप लोग हेयर पैक लगाते हो वो अच्छे तरीके से लग जाते हैं। अगर आप लोग ऐसे मतलब जैसे मांग फोड़ ऐसे निकाल निकाल के लगाओगे ना तो वो अच्छे तरीके से लग नहीं पाते हैं, बट जूड़ों की तरह बनाते हुए जाओगे ना तो ये बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है। अगर आप लोग चाहो तो ब्रश की मदद से लगा सकते हो, बट मैं हाथ से ही लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे हाथ से सही लगता है। ब्रश वगैरह से मैं उतना सही मुझे नहीं लगता है, कंफर्टेबल नहीं लगता है, इसलिए मैं ब्रश से नहीं लगा के हाथ से ही लगाती हूँ। जैसे कि मैं आप लोग लगा के दिखा रही हूँ, ऐसे आप लोग बालों में लगा लीजिएगा। और इसको 3 घंटे आप लोग को छोड़ना है, जैसे कि 3 घंटे इसको लगाने के बाद 3 घंटे आप लोग छोड़ दीजिएगा। 3 घंटे के बाद आप लोग उसको नॉर्मल पानी से धो लीजिएगा और फिर चंपी कर लीजिएगा। जब आप लोग के बाल सूख जाए तो चंपी कर लीजिएगा और 1 से 2 दिन आप लोग अपने बालों को छोड़ दीजिएगा चंपी करके, और उसके नेक्स्ट डे आप लोग शैम्पू कर लीजिएगा। ये जो आप लोगों को मैं आप लोगों को बताई हूँ तांबे के बॉटल के पानी का फ़ायदेमंद, जैसे कि आप लोग को पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है ना, उसी तरीके से आप लोग के बालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हेयर फॉल हो रहे हैं आपके, बेबी हेयर्स नहीं आ रहे हैं, अगर आप लोग के लेंथ नहीं बढ़ रहे हैं बालों के, शाइनिंग नहीं है बालों में, स्मूदिंग नहीं है बालों में, तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स ना आप लोग को तांबे के बोतल में भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। तो अब पानी पीने से ज़्यादा आप लोग लगाइए भी, जैसे पानी तो पीते ही होंगे, बहुत लोग पीते हैं, हम भी पीते हैं, पर पानी पीने से मतलब पानी पीते तो हैं ही, बट आप लोग बालों में लगाना भी शुरू कीजिए, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद करेगा। तो ये देख सकते हो मैंने लगा लिया, मैं इसको 3 घंटे छोड़ दूंगी और फिर इसको नेक्स्ट डे चंपी करके बालों को अपने पानी से, अभी तो पानी से धुल लूँगी, फिर नेक्स्ट डे शैम्पू से धुल लूँगी। तो आप लोग इसको लगाइए एंड वीडियो एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।